हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्चुअली uh, दो तीन चीजें बताने वाला हूँ फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे मेरा सितंबर 24 का पीएनएल हाउ हाउ मच मच मनी आई आई हैव हैव मेड मेड एंड रिटर्न्स इन दिस मंथ ठीक है दो सेप्टेम्बर में थोड़ा डाइसी uh, सी था मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे में इनफैक्ट ज्यादा ही अच्छा ऊपर जा रहा था सो इट वॉज लुकिंग एज इफ द मार्केट इज ओवरब्रॉल ठीक है सो काफी बार एसएल हिट होने के कगार पर आया बट Uh, luckily i was able to manage to close this entire september 24 in a green statement okay so first thing is this and second is abhi recently you guys are aware that abhi ek, uh, in fact july 24 a consultation paper float kia and then uske basis but there are a number of uh, points that they have raised to curb the retail participation in fno एंड एफ एन ओ का भी रिसेंटली उन्होंने एक डेटा भी जारी किया था जिसमेंट सो उसके बाद सैबी ने अपने कुछ रूल्स निकाले हैं सो वी विल बी डिस्क रूल्स ऑल्सो एंड हाउ दे आर गोइंग टू एफेक्ट द एफ एन ओ ट्रेडिंग एज वेल ओके सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू रीले लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन एज वेल ओके ओके सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट क्विकली टेक इट टेक यू अप वॉट इज हैंग इन द मार्केट एज ऑफ नाउ सो इफ यू गो ऑन द डेली चार्ट यू सी दैट देर इज अज फॉल इज विच एज कम फ्रॉम आफ्टर दिसट ठीक है चार दिन में कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट पांच परसेंट से ज्यादा के आसपास निफ्टी निफ्टी एंड बैंक मेजर है ये दोनों के दोनों गिर चुके हैं ठीक है सो मार्केट so, जो है काफी अच्छा फॉल दे चुका है एंड कंटिन्यूअसली मार्केट में आपको बी एरेश पैटर्न दिख रहे हैं विद अपर शेडोज ठीक है अपर लॉन्गर विग्स दिख रहे हैं विच इज टेलिंग दैट देयर इज अज सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट ठीक है एंड इसके बारे में मैं ऑलरेडी क्लास को स्टूडेंट्स uh, को बता चुका हूं इनफैक्ट दोस पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल दे वर ऑलरेडी अवेयर फ्रॉम 26 सितंबर दैट देयर इज इज अ ह्यूज फॉल व्हिच गोइंग टू कम इन द मार्केट इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा व्हेन आई विल बी शोइंग यू माई ट्रेडिंग सीक्रेट्स टेलीग्राम चैनल ओके सो दिस इज द वन थिंग दैट देयर वाज अ ह्यूज सेलिंग प्रेशर इज बीइंग सीन राइट नाउ इन द मार्केट एंड व्हिच मे कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल देयर आर टू रीजंस फॉर इट वन इज इजराइल ईरान का वॉर अगर ये वॉर ज्यादा स्प्रेड आउट होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ईरान इज अ ओपीसी मेंबर सो ऑलरेडी क्रूड के जो प्राइसेस है वो ऑलरेडी चार uh, से पांच परसेंट के जो उनका uh, प्राइस है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है सो इसकी वजह से काफी ज्यादा जितनी भी ग्रोइंग इकोनॉमीज है उनके ऊपर काफी ज्यादा फर्क आने के चांसेस है सो दिस इज वन ऑफ द रीजन सेकंड रीजन इज सेबी ने जो टाइटन अप किया है उसकी वजह से पीपल आर एक्सपेक्टिंग इनफैक्ट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट फोर्टी के आसपास का जो वॉल्यूम है जो एफ ट्रेडिंग के अंदर है वो ड्राई हो जाएगा

Uh, बीच में दो दिन का छुट्टी था एंड तीन दिन का सो फोर्थ अक्टूबर विद इन फाइव ट्रेडिंग दो आई आईड नॉट एक्सपेक्टिंग इतना ज्यादा आ जाएगा आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर पुल बैक देगा फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा पुल बैक देगा सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंटायर अक्टूबर मंथ टिल फोर्टीन आई वज एक्सपेक्टिंग अ गुड प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट

एट डाउन साइड में देर इज अपोर्ट एट नियरली अबाउट ट्वेंटी फोर सॉरी ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड के पास इज अट्रॉग सपोर्ट सो अगर आप ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड के आसपास भी मार्केट दिखता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी लाइकली रिकवरी मे भी पॉसिबल फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लेवल ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द थिंग बट फॉर निफ्टी माई अल्टीमेट टारगेट टुवर्ड्स डाउन साइड इज ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस है उसमें भी मैंने बताया हुआ है दैट इन निफ्टी माय अल्टीमेट टारगेट इज दिस ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सॉरी ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड से ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज द लेवल आई एम वेटिंग फॉर निफ्टी टू कम द डे आई सी दिस ठीक है आई डोंट नो ये कब आएगा ये एक, में, uh, एक साल दो साल तीन साल पांच साल पांच साल में भी अगर ये लेवल आ जाता है आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सी दिस लेवल ठीक है बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर आई विल बी गोइंग ऑल इन

ठीक है सो फॉर मी दिस इज द लेवल बट एज ऑफ नाउ फॉर अ शॉर्ट टर्म रिकवरी वट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड बिकॉज दर इज अज सपोर्ट एरिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे चुका है बिकॉज मैंने आप लोगों को कल लाइव uh, मार्केट में भी बताया था इफ निफ्टी इज क्लोजिंग बिलो ट्वेंटी फाइव जीरो सेवन जीरो जीरो एट जीरो जीरो नाइन जीरो जहां से कि रिकवरी आई थी मार्केट में रिकवरी नहीं थी इनफैक्ट दैट अ पुल बैक जो कि मैंने अपने चैनल uh, पे भी बताया था कि डू नॉट कंसीडर दिस पुल बैक एज अ रिकवरी 200 या 300 पॉइंट्स का पुल बैक आया एंड देन आफ्टर दैट अगेन इट फेल डाउन शार्पली एंड देन फाइनली इट एज क्लोज एट द नेगेटिव पॉइंट सो ट्वेंटी को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दे दिया है सो दिस ह्यूज नेगेटिव थिंग फॉर निफ्टी राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मोर करेक्शन इन कमिंग वीक

ठीक है, बिकॉज उस टाइम पर ये आपको एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना देगा सो so खासा आप अच्छा आपको डेढ़ दो हजार यहाँ पर आता है एंड देन आफ्टर दैट अगेन द सेल ऑन राइज दिस विच इज इंडिया विक्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर इसके ऊपर सारा मार्केट डिपेंड करता है मार्केट

This is my September. Sorry. So yeah. So this is how I have fared uh, in this month. So I have made nearly about five point three six lakh. Usme se net realises nearly about five point one six lakh ke aspassi net profit So इफ यू सी दिस थिंग फाइव पॉइंट लैक इज माई प्रॉफिट एक दिन लॉस हुआ था उस दिन माई एस इट एंडार्ट फ्रॉम दैट एवरी डे इज अ गुड डे फॉर मी इफ आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड सिक्स लैख के आसपास मैं इसमें आराम से पहुंचा था ठीक है एंड सोया ओके

ऑलमोस्ट रीच फोर परसेंट थोड़ा सा फोर परसेंट से नीचे ही है सो so, मेरा जो अपर साइड पे टारगेट है वो आई वॉज एबल टू रीच दिस मंथ बिकॉज दिस मंथ में काफी अच्छा मूवमेंट मुझे मिल गया था एंड मेरा कोई लॉस भी नहीं हुआ केवल एक ही छोटा सा लॉस था सो so, अगर ये लॉस नहीं होता तो आई वुड है टस्ट फोर परसेंट बट फोर परसेंट तो थोड़ा सा कम है सो दैट इज ओके फॉर मी सो दिस इज दी अदर अकाउंट विच आई डू सो इन दिस अकाउंट आई जस्ट शो यू इन दिस अकाउंट आई वॉज कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल एंडायरली प्रॉफिट लाख के आसपास का प्रॉफिट है थोड़ा सा नीचे है ठीक है थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन के आसपास आप कह सकते हैं सो ओवरऑल इन बोथ दाइंड आई हैव मेड नियरली अबाउट सेवन पॉइंट फाइव लाख के आसपास विच इज ऑलमोस्ट फोर परसेंट थोड़ा सा कम ऑफ फोर परसेंट ऑफ माई कैपिटल विच आई हैव डिप्लॉयड फॉर ठीक है सो मेरा जो पर्सनल टारगेट रहता है दैट इज नियरली अबाउट थ्री टू फोर परसेंट सो एनी थिंग विच इज बिटवीन थ्री टू फोर परसेंट आई एम मोर देन हैप्पी बट देअ हैज गिवन मी ओनली टू परसेंट ऑल्सो सो दट इज ओके आई एम हैप्पी विद दिस ऑल्सो इवन इफ मार्केट गिवस मी वन परसेंट आई एम हैप्पी सो थिंग इज माई टारगेट इज स्मॉल थ्री टू फोर परसेंट एंड आई ट्राई टू अचीव दिस टारगेट ओनली मैं इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता एंड इफ यू कैन अचीव दिस टारगेट कंसिस्टेंटली यू कैन ईजीली गेट वॉट यू ड्रीम फॉर ओके सो दैट इज वॉट आई टीच माई स्टूडेंट्सो एंड दैट इज वॉट आई हैव बीन टेलिंग टू माई स्टूडेंट्स एवरीवे ओके सो अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ साथ आप लोगों को मैं वेरीफाइड पी एन एल लिंक जो है वो मैं uh, मेरा हमेशा डेली बेसिस पर अपडेट रहता है सो so, इसके साथ आप लोगों को मैं वेरीफाइड पी लिंक भी दे दूंगा doubt, okay? so, this, uh, दिखाता हूँ देर इज अभी रिसेंटली सेबी ने कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया था इन जुलाई 24 सो so, जुलाई 24 के मैं काफी सारे लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव uh, बताए थे सा, काफी सारे रीजंस बताए थे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन हाउ टू करो ट्रेडिंग फाइनली आई गेस सेकेंड अक्टूबर को फर्स्ट अक्टूबर को फर्स्ट अक्टूबर को दे हैव रिलीज देबी ने रूल्स रिलीज कर दिए थे जिसमें कि एज ऑफ नाउ दीज आर दिक्स रूल विच है Uh, कुछ तीज ये बीस नवंबर को हो जाएंगे दो फरवरी में होंगे और एक अप्रैल में होगा ठीक है एंड दे आर गोइंग टू इफेक्ट एफ एन ओ ट्रेडिंग इनफैक्ट काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं विच ऑलरेडी हैव टोल्ड दैट दे विल दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ फोर्टी परसेंट डिक्लाइन इन वॉल्यूम ठीक है सो एज ऑफ नाउ इट दीज न्यूज आर मे नॉट बी दैट गुड फॉर ब्रोकरेज हाउसेज एंड वी कैन सी अ गुड सेलिंग प्रेशर बट इवेंचुअली ट एवर द लॉस जो भी लॉस होता है ना किसी को भी वो एट द द एंड ऑफ डे लॉस हैज बीन ट्रांसफर टू अस ठीक है रिटेल ट्रेडर्स हमको ही वो लॉस झेलना पड़ता है नो मैटर व्हाट अगर ब्रोकरेज हाउसेस का नुकसान हो रहा है तो ये क्या करेंगे सबसे ज्यादा अगर इनका वॉल्यूम ड्राई हुआ तो इसका मतलब है इनका इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर आया यानी कि उनके ब्रोकरेज के ऊपर सबसे ज्यादा डेंट पड़ेगा तो अगर इनका ब्रोकरेज के ऊपर डेंट पड़ेगा ये क्या करेंगे इस ब्रोकरेज को बढ़ा देंगे दे दे विल विल इंक्रीज द रिवाइज देयर एट द एंड ऑफ दूस गोइंगील द्रंट ऑफ इट वी रिटेल ठीक है जिनको लॉस हो रहा है उनको थोड़ा और लॉस होना लग जाएगा बिकॉज दे विल इंक्रीज देर चार्जेस इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी आर ऑलरेडी सो मच डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल कि भैया हमें तो करना ही करना है चाहे ये एफ एन ओ ट्रेडिंग के लिए कितना ही कुछ भी कर दे बट हम तो एफ एन ओ करके ही रहेंगे दिस इज वॉट पीपल ऑफ इंडिया डिसाइडेड ठीक है सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू फील द पिंच ऑफ वे है

इन ऑल डेरेवेटिविच आर स्टॉक एंड इंडेक्स इन दोनों डेरेवेटिव आपका uh, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो बढ़ा दिया जाएगा दिस वॉज दिच दे टोल्ड वॉट दैट की अभी एज ऑफ नाउ जो नॉर्मल आप कॉन्ट्रैक्ट uh, साइज होता है दैट इज नियरली अबाउट फाइव टू सेवन लैख के आसपास होता है ठीक है हाउ दिस कैल्कुलेटेड आई जस्ट कवर इट अपू सेवन लैख के आसपास होता है सो इन स्टॉक ऑल्सो एंड इन इंडेक्स ऑल्सो सो देख के आसपास कर देंगे सात लाख के, so के इंडेक्स को खरीद लेता है या फिर स्टॉक uh, डेरिवेटिव को खरीद लेता है तो उसको अगर थ्री टाइम्स कर देंगे तो ही विल नॉट बी एबल टू बाय सो उससे क्या होगा एफ एन ओ ट्रेडिंग में थोड़े से वॉल्यूम कम हो जाएंगे एंड पीपल वुड नॉट बी एबल टू टेक इट ठीक है Now, अब समझते हैं कि ये कैसे हो जाएगा ना यू विल से कि सर हमने तो कभी पांच या सात लाख का कभी एफ में खरीदा नहीं तो फिर ये पंद्रह बीस लाख कैसे कर देंगे हाउ इज इट पॉसिबल वॉट इज दैट देखिए इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी इट इज प्रेजेंटली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जीरो वन फोर ठीक है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेते हैं सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में एज ऑफ नाउ अगर इसकी बात करूं मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो निफ्टी का जो लॉट साइज है दैट इज ट्वेंटी फाइव तो इट इज कमिंग अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टू पांच लाख सोट इट इट कम्स अराउंड सिक्स लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास सिक्स पॉइंट टू फाइव लाख के आसपास इसका लॉट आता है बट आप क्या करते हैं आप ये पच्चीस क्वांटिटी का छह लाख पच्चीस हजार नहीं देते हैं आप छह लाख पच्चीस हजार देंगे अगर आप इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप निफ्टी बीस की क्वांटिटी उठा लें ठीक है अगर आप इसी के कोरोस्पॉ निफ्टी बीस की क्वांटिटी उठा लेंगे आपकी करीब साढ़े चार हजार के आसपास निफ्टी बीस की क्वांटिटी आती है दिस इज थिंग सो इफ वी गो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स नाउ इफ वी गो टुवर्ड्स द स्टॉक डेरिवेटिव्स सपोज वी विल टेक एनी एनी स्टॉक

सो so, चाहे आप बाय चाहे सेल करें दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे बट एक्चुअली हाउ मच अमाउंट यू आर पेइंग इज 500 इन टू थाउजेंड यानी कि पांच लाख सो फाइव लाख सो आर यू डूइंग एग्जैक्टली इज दैट कि आप पांच लाख रुपए ना देकर आप सिर्फ डेढ़ लाख रुपए में फ्यूचर बाय कर रहे हैं बट इवेंचुअली द एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप फ्यूचर ना बाय करें आप डायरेक्ट इक्विटी बाय करें तो आपको पांच लाख के आसपास पे करना पड़ेगा जैसे कि मैंने अभी निफ्टी में बताया आपको अगर आप निफ्टी का निफ्टी बीस बाय करते हैं पच्चीस हजार तो आपको साढ़े छह लाख के आसपास देना पड़ेगा एंड यू हैव टू रेप्लीकेट द रिटर्न्स व्हाट निफ्टी विल गिव तो आपको ऑलमोस्ट साढ़े चार हजार के आसपास निफ्टी बीस बाय करना पड़ेगा आप वो बाय ना करके आप इसका फ्यूचर बाय कर लेते हैं विच इज कमिंग अराउंड वन लाख रुपीज ठीक है सो पीपल आर बाइंग फ्यूचर सो इसलिए ये आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है इसलिए ज्यादा पिंच नहीं होता अभी एज ऑफ नाउ बिकॉज यू गाइज मे नॉट बी दैट अवेयर ठीक है काफी रिटेलर है जो फ्यूचर खरीदते रहते हैं उन लोगों को ये नहीं पता कि भैया पांच लाख क्यों आ रहा है की बात हुई थी बट जब फाइनल ये uh, सेबी का ऑर्डर आया इट सेज ओनली अबाउट इंडेक्स डेरिवेटिव्स व्हाई बिकॉज दे थिंक भैया जो मैक्सिमम एफएनओ ट्रेडिंग होती है वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में होती है ठीक है so, सो इन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं सो so, इससे क्या होगा इससे आपका

यानी कि ऑलमोस्ट इंटू थ्री दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू बिकम पंद्रह से बीस लाख के बीच में ठीक है अगर इंटू थ्री कर देंगे दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग भी हो सकता है into 2 भी हो सकता है सो टिल द टाइम नवंबर डज नॉट कम दैट इज सो अगर मान लो इंटू थ्री कर दिया आई एम जस्ट टेकिंग इट सो वॉट आर दे गोइंग टू इंक्रीज पच्चीस हजार ये तो प्राइस ऊपर नीचे चलता रहे दे कैन नॉट चेंज इज कैन चेंज इज कॉन्ट्रैक्ट साइज दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज टू बी चेंज्ड इसको पिछहत्तर कर दे अगर मान लो इंटू थ्री करके पिछचत्तर कर दे तो दिस विल आल्सो बिकम इन यस तो दिस विल इंक्रीज फिफ्टीन टू ट्वेंटी जो डेढ़ लाख का आप फ्यूचर लेते थे दिस विल आल्सो टू सो अब लाख लाख का का जो जो या आप फ्यूचर लेते थे वो अब आपको तीन लाख का पड़ेगा जो एक लाख का आप ऑप्शन सेल करते थे अब वही चीज आपको तीन लाख रुपए की ऑप्शन सेल पड़ेगी दिस इज द चेंज दैट दे हैव डन

उट ठीक आफ्टर दैट वॉट है आई बिलीव की काफी ज्यादा एफ एन ओ के वॉल्यूम्स के ऊपर फर्क आने वाला है इस बिकॉज वी ऑल नो दैट मंडे जो होता है उसमें मिड कैप निफ्टी मिड सी पी निफ्टी जो एन एस सी का इंडेक्स है एन एस का है और ये बी का है ठीक है बी का जो होता है वो बैंक होता है ऑन मंडे को ठीक है ट्यूसडे को आपका फिन निफ्टी होता है जो जो कि इसका है है देन उसके बाद इस दिन आपका बैंक निफ्टी का होता है जो की एन देन थर्सडे जो है थर्सडे जो है उसको आपका निफ्टी का होता है जो कि अगेन एन का है देन फ्राइडे को आपका आता है सेंसेक्स का ठीक है सो एज ऑफ नाउ BSE के पास केवल दो इंडेक्स थे एक बैंक एक्स एक के एक्स और चार इंडेक्स निफ्टी मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी नाउ वॉट दे आर प्रोपोजिंग से एनएससी को जस्ट है जहां पर उसके फोर एक्स वॉल्यूम्स आते थे नाउ इट जस्ट या तो निफ्टी ले गए बैंक निफ्टी सो आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी सो so, जो चार एक्स इसके वॉल्यूम आने थे ना अब उसका ओनली वन टाइम वॉल्यूम आएगा

तो इनको लगा कि भैया देर इज टू मच स्पेकुलेशन विच इज हैपनिंग ऑन एवरी डे बेसिस एंड दिस वॉज ऑन डे बेसिस ऑन ओनली ऑन एक्सपायरिंग डेसिस मंडे को मिड कैप निफ्टी में होगा ट्यूजडे को फिन में होगा वेटे को बीएनएफ में थर्सडे को निफ्टी में सो दे थॉट कि भैया ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है सो so इसको अवॉइड कैसे करें इसको एवॉइड करने के लिए दे वॉट uh, दे डेड कि हफ्ते में ना एक ही एक्सपायरी रखते हैं ताकि इस चीज से एफ एन ओ ट्रेडिंग कम हो जाए अब अगर एफ एन ओ ट्रेडिंग कम होगी तो जाहिर सी बात है भैया वॉल्यूम्स भी कम हो जाएंगे वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे तो मैंने बताया ब्रोकरेज हाउसेज है उनको प्रॉब्लम हो जाएगा ब्रोकरेज हाउसेज के बाद ये जो एनएससी और बीएससी है इनके ऊपर भी फर्क आएगा एनएससी के जो चार इंडेक्स थे अब केवल एक इंडेक्स रह जाएगा इसका वॉल्यूम तो डिवाइड बाय फोर हो गया इन अ वन गो सो एनएससी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर आ जाएगा फर्क ये ध्यान रखना ठीक है सो एज ऑफ नाउ अगर एनएससी का आईपीओ आने वाला है तो ऑलवेज रिमेंबर चेक द वैल्यूएशन फर्स्ट ठीक है उसका ईपीएस लास्ट क्वार्टर में कितना था अभी उसका प्राइस बैंड कितना है ठीक है दैट विल डिसाइड वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड इफ इट इज लिस्टिंग एट ओवर वैल्युएशन बिकॉज नाउ वी नो देर इज अ पॉसिबिलिटी वन बाय फोर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर सो अगर वो ओवर वैल्यू पर लिस्ट हो रहा है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अगर uh, ये बुल मार्केट दोबारा से आया और एनएससी मार्केट दोबारा एनएससी अगर अपनी लिस्टिंग करेगा, तो वो वो की तरफ जा सकता है so, RHP, EPS, उनका कितना डिक्लाइन कि उसमें आपको ईपीएस में मिल सकता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ दिस थिंग ऑन द अदर हैंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर बी बिकॉज ये चार इंडिसेस का वॉल्यूम जो एन की तरफ जाता था अब इनका वॉल्यूम इसकी तरफ आएगा सेंसेक्स की तरफ आएगा सो दैट इज द रीजन दो अक्टूबर को छुट्टी थी तीन अक्टूबर को इवन दो वॉर आई ईरानीएससी आठ से दस परसेंट का राइस दे दिया था इन फ्यूचर बी एस सी के अंदर वॉल्यूम्स आने वाले हैं एंड बी एस सी का राइस हो सकता है सो इट इज ऑलरेडी गिवन स्मॉल राइस विद इट्स ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम्स देर इज एन एंटीसिपेशन दैट इसमें और ज्यादा भी देखने को मिल सकता है बट देर इज सम मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन दैट हैज टू बी डन प्रायर दैट सो दिस इज वॉट दे हैव डन ठीक है एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी इसमें आएगा एंड बी एस सी एज ऑलरेडी सेट की जो एंटीस रहेंगे दे विल ऑन मंथली उनको हटा नहीं देंगे दे विल ऑन मंथली एक्सपायरीज यानी महीने में केवल एक दिन ये एक्सपायरी पे रहेगा जो चार दिन रहता था अब सिर्फ एक दिन रहेगा बाकी के तीन दिन चला जाएगा सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू डू हाउ द डायनेमिक्स एन ट्रेडिंग फॉर एफ एन ओ आर गोइंग टू चेंज That that so, नवंबर का पी एन एल डालूंगा उसमें आप लोगों को और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा ओके सो दिस इज द्वाइंट विच एज डन थर्ड इज इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी वॉट डीन इट मीन यू मस्ट है फ्यूचर लेते हैं अगर आप कोई फ्यूचर सेल करते हैं आई एम ऑप्शन सेलर सो आई ऑलवेज सेल सो अगर आप कोई फ्यूचर सेल करते हैं निफ्टी का तो अगर आपका वन लाख ,00 के आसपास अगर आप एक्सपायरी आपकी एक हफ्ते है पांच दिन बचे हैं एक्सपायरी में देर आर फाइव डेज फॉर दिस एक्सपायरी ठीक है मान लो देर आर ट्वेंटी डेज फॉर दिस एक्सपायरी ट्वेंटी डेज के पहले आपने खरीदा तो आपका एक लाख में हो जाएगा जैसे 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 एक्सपायरी के पास जाएगा सपोज देर आर ओनली टू डेज फॉर एक्सपायरी तो यू विल रियलाइज कि ये जो फ्यूचर का प्राइस है थोड़ा सा एक लाख से एक लाख दस हजार या एक लाख पांच हजार के आसपास आपका बढ़ जाएगा दिस स्टॉक में भी आप चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको हमेशा देखने को मिलता है ठीक है सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन नाउ वॉट इज गोइंग टू हैपन की जो लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी है जो डी डे होगा उस दिन व्हाट आर दे गोइंग टू डू जितना भी इंक्रीज हो गया उसका दो परसेंट एक्स्ट्रा दे आर गोइंग टू टेक ठीक है दो परसेंट जो है वो एक्स्ट्रा इसको uh, लेना स्टार्ट कर देंगे सो दो परसेंट एक्स्ट्रा सपोज अगर आपका एक लाख बन रहा है तो एक लाख दो हजार रुपए वन पॉइंट जीरो टू लाख रुपीज ओनली आपको देना पड़ेगा ठीक है सो दिस इज वॉट दे हैव इंप्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ एंड इसमें क्या है इसमें इन्होंने एक चीज नहीं क्लियर करी है दैट दे हैव नॉट वेरी वेल सेड दैट इज इट गोइंग टू हैपन ओनली इन इंडेक्स और इज इट गोइंग टू हैपन इन बोथ स्टॉक डेरिवेटिव्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स सो ट्वेंटी नवंबर के बाद ही ये थोड़ा देखने को क्लैरिटी आएगा ठीक है बिकॉज मैंने पढ़ा तो मेरे को ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाया वेदर इज ओनली फॉर इंडेक्स और दिस इज फॉर बोथ स्टॉक एंड इंडेक्स जो कंसल्टेशन पेपर जुलाई ट्वेंटी फोर में आया था उसमें यह चीज स्टॉक और इंडेक्स डेरिवेटिव दोनों के लिए किया गया था बट एज ऑफ नाउ दिस इज ओनली बींग डन फॉर इंडेक्स

There are no free lunches in the world. Whatever the loss they are going to bear is going to get passed to us only. Okay. And no one else. Remember. So, next is the other two.

ठीक है सो एज ऑफ नाउ यू आर ऑलरेडी पेइंग अप फ्रंट कलेक्शन फॉर ऑप्शन बायर्स नाउ यू विल बी पेइंग सेवेंटी फाइव हंड्रेड ओनली अगर इंटू थ्री कर देते हैं थ्री एक्स सो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट मेकिंग मच ऑफ द क्लैरिटी अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फॉर बायर्स

बाकी का पैसा शायद आपको वापस मिल जाएगा सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी सो इसकी जो क्लैरिटी है ये क्लैरिटी अभी इस पेपर में नहीं आई है सो so, इसकी क्लैरिटी थोड़ी बाद में ही आएगी जब ये इंप्लीमेंट होने वाला होगा देर इज अ पॉसिबिलिटी तब तब जा, जाकर ये क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर एन एस सी जो से है, उसने बोला है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है दे आर सपोज टू वर्क एंड फाइनलाइज समथिंग डिपेंडिंग अपॉन की उसके कैसे रहेंगे सो so, उसके ऊपर अभी फाइनलाइजेशन दे आर डूइंग इट सो दिस इज वॉट इट इज विच इज नॉट हैविंग मच ऑफ द क्लैरिटी एज ऑफ नाउ नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड दिस इज वन थिंग विच आई डो नॉट थिंक हाउ इट इज गोइंग टू इमेट एन प्रोड्यूस सो कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कैलेंडर स्प्रेड होता है सपोज देर इज अ पॉसिबिलिटी दट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट जो है वो ज्यादा बर्स ऑफ मूव नहीं दिखाने वाला एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट इज गोइंग टू रिमेन विदिन विद इन दिस ओनली सो वॉट पीपल डू पीपल डू क्या करें पीपल क्या करेंगे जो प्रेजेंट एक्सपायरी है प्रेजेंट एक्सपायरी की जो ऑप्शन है सपोज आर मेकिंग अ स्ट्रैंगल वो एक स्ट्रैंगल बनाएंगे कॉल को बेच देंगे और पुट को बेच देंगे दे विल मेक अ स्ट्रैंगल Now, इस स्ट्राइंगल का मार्जिन कम करने के लिए विल बाय नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का बाय कर लेंगे कॉल इनपुट को सो so, उससे क्या होगा इनका जो एक लाख रुपए लगना था अब वो बन गया आपका काइंड ऑफ आयरन बटरफ्लाई एंड ये आपका जो हो जाएगा ये आपका इसका प्रीमियम जो है प्रीमियम को ये कम कर देगा दिस इज वॉट या फिर वो क्या करेंगे वो स्ट्राइडल बना लेंगे कॉल इनपुट कर देंगे यहाँ का बाय यहाँ का बाय एंड दे मेक अः ऐसे आयरन बटरफ्लाई काइंड ऑफ थिंग बना देंगे सो so, इससे इनको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता था ठीक है प्रेजेंट एक्सपायरी में डीके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए उसको नहीं रखकर नेक्स्ट एक्सपायरी का दे कुछ सो उससे मार्जिन मिलता था नाउ देव रियलाइज भैया ये तो इस तरह से गेम कर गए ठीक है अब ये सारा जो है ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन सेलर ट्रेडर्स है डिप्लॉय दिस स्ट्रेटेजी मेजरली ऑन एक्सपायरी ठीक है टू ट दिस का सो दैट बड़ा ट्रेड हो जाए मार्जिन भी कम लग जाए अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए दिस इज दू इट सो अभी इसको कम कर दिया अरे जो चीजें प्रॉफिटेबल हो रही थी मार्जिन कम कर रही थी आप उसको क्यों कम कर रहे हो वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो रहा है इज मेजरली फ्रॉम बाइंगस्पेक्टिव यू आर चेंजिंग थिंग्स फ्रॉम सेलर्स परसपेक्टिव जो की एक्चुअली पढ़े लिखे ट्रेडर्स से, हैं जो सेलिंग कर रहा है वो एक्चुअली पढ़े लिखे ट्रेडर्स हैं ये एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को बचाने की स्ट्रेटेजी कैसे है बिकॉज रिटेल ट्रेडर तो इसको करता ही नहीं है यार रिटेल ट्रेडर डज नॉट नो व्हाट इज कैलेंडर स्प्रेड अगर कैलेंडर स्प्रेड और ऑप्शन सेलिंग उसको पता हो तो वो अपना लॉस ना करे ना ही वुड बी एबल टू गेट इनटू अ प्रॉफिटेबिलिटी जो वन परसेंट उन्होंने दिखाया है उसमें चला जाएगा वो सो आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प ट्रेडर्स दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स बिकॉज दे डू नॉट डू दिस and even if they are doing it at least they will not be at huge loss their loss is capped this is a fixed loss strategy okay so i don't know how this is going to curb fno speculation because this is not at all a speculation this is a proper strategy which people deploy in market to get profit through option selling okay this is an option selling dominant strategy speculation is done by option buying dominant strategies

वन ईयर बैक वेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड ऑल उस टाइम पर क्या होता था उस टाइम पर देर इज अ थिंग तीन स्नैपशॉट्स लिए जाते थे ठीक है सपोज आपके पास एक लाख का आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपायरी uh, नजदीक आता है तो एक लाख से ज्यादा आपको एक लाख दस हजार या एक लाख बीस हजार आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए होता है एंड देर इट हैपन्स जनरली ऑन लास्ट डे मैक्सिमम एंड अभी उन्होंने दो परसेंट ई एल एम एक्सट्रीम लॉस मार्केट जो मार्जिन है वो भी और बढ़ा दिया एक्स्ट्रा बढ़ा दिया सो वॉट हैपन्स तो एक लाख आपके पास पड़ा हुआ है एंड एक्चुअल मार्जिन चाहिए एक दस तो पहले क्या होता था तीन स्नैपशॉट जो एक ब्रोकरेज हाउस है सीसीएल जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है उसको भेजते थे ठीक है सॉरी एक्सचेंज को भेजते थे तीन स्नैपशॉट्स दिन में एंड रैंडम स्नैपशॉट्स कि अगर मान लो आपके पास मार्जिन एक लाख है लेकिन आपका एक लाख दस हजार यूज रखा है तो आपके फंडनस टेन थाउजेंड दिखाना स्टार्ट कर देगा फिर आपके पास जीरो बाकी जो ब्रोकरेज हाउस है उनका मैसेज आ जाएगा कि भैया आपने हंड्रेड परसेंट एक्सीड कर दिया है तो आपका लॉस हो सकता है आपका हम बुक कर देंगे स्क्वायर ऑफ कर देंगे आप अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर दो दिस इज वॉट दूस टू टेल सो उसमें क्या होता था पहले दे यूज टू हैव थ्री स्नैपशॉट्स अगर उस स्नैपशॉट में एट एनी गिवन टाइम आपका माइनस दिखा रहा है तो आपके ना चार्जेस कट जाते थे एक पेनल्टी चार्जेस होते थे वो कट जाते थे ठीक है आई हैव पेड दीस चार्जेस सो दैट इज व्हाई आई एम अफ्रेड सो ये होता था पहले इसके बाद इन्होंने इस थ्री स्नैपशॉट्स को कैंसिल करके एक सिंगल स्नैपशॉट कर दिया व्हिच हैज टू बी टेकन एट द एंड ऑफ द डे इन डे खत्म होने के बाद वो एक स्नैपशॉट लेते थे ठीक है, so, ये भी एक सर्कुलर आया था बीच में, उसके बाद क्या हुआ कि आप ओवरनाइट पोजिशन जो कैरी कर रहे कोशिश ना हो डे so, में जो भी नेगेटिव हो रहा है वी आर नॉट वरिट अगर स्क्वायर ऑफ कर देगा वाली नौबत आ जाएगी तब हम पहले ही स्क्वायर ऑफ करते थे बट एटलीस्ट एट बाय दैट टाइम हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते थे ठीक है दिस इज वॉट यूज टू हैपन so now what they have done instead of three snapshots which was earlier now they have done four snapshots कि अब दिन में हम चार snapshots लेंगे चार में से अगर any time आपका negative आ गया तो we will be putting you some penalty charges आपको थोड़े-बहुत charges pay करने पड़ जाएंगे अगर ज्यादा है तो जो brokerage house है वो आपकी positions को कर देगा square off अगर बहुत ही blunder कर रखा है आपने loss भी हो रखा है and ये भी नहीं है तो there is a possibility कि आपको उस दिन further FNO trade आपका brokerage house ना कर दे� ठीक है सो दिस इज वॉट इट इज दिस इज नॉट अ न्यू थिंग इट वॉज ऑलरेडी देयर बट इट्स जस्ट दैट की बीच में टू गिव समिट एफ एन ओ ट्रेडर्स इन्होंने इसको खत्म कर दिया था नाउ दे हैव डन इट अगेन पहले तीन स्नैपशॉट्स है नाउ दे हैव डन फोर स्नैपशॉट ठीक है सो दिस इज द थिंग सो एज ऑफ नाउ ऑन नवंबर ट्वेंटी आई एम एक्सपेक्टिंग दीज थ्री टू ब्रिंग अ गुड डिक्लाइन इन वॉल्यूम्स ठीक है सो लेट सी जिसका की नीजर रिएक्शन हमने ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी जो मार्केट गिरा है उसमें ऑलरेडी हमने देख लिया है सो लेट सी हाउ दे आर गोइंग टू इफेक्ट आफ्टर नवंबर ट्वेंटी कौन सी एक्सपायरीज रहेंगी कौन सी मंथली में रहेंगी कौन सी वीकली में रहेंगी दीज थिंग्स हैव नॉट येट बीन है बीएससी ने बताया कि वो सेंसेक्स की एक्सपायरी को वीकली में रखेगा सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक की एक्सपायरी जो है वो मंथली में चली जाएगी हाउ इज इट गोइंग टू इफेक्ट द ट्रेडिंग क्या क्या होने वाला है वो नीटी कीटीज नवंबर ट्वेंटी के बाद ही पता चलेंगे उससे पता उससे पहले थोड़ा मुश्किल है पता चलना ठीक है सो दिस इज वॉट इट इज एंड आफ्टर दैट फिर फर्स्ट फेब को जब अप फ्रंट कलेक्शन वाला आएगा तब उससे पहले थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई हाउ आर द निटिकिटीज है फाइनलाइज फॉर ऑप्शन बायर्स देन कैलेंडर स्प्रेड का मैंने आपको बता दिया सो देर इज नो 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 मिस एंड इंटरडेड मोनिटरिंग ऑफ पोजिशन लिमिट है ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल and uh, if you have not joined my channel this which is trading secrets 88 so i would request you to join this channel because in this channel i keep on giving these kind of updates which are going to be very helpful for you guys and apart from that there is one more update which i was uh, seeing

So I'll just show you Bank Nifty and other indices what had happened on that day. So this was the recovery which was happening. It started covering its uh, traction at Barabaja 12, 12, market it started falling down and it fell like anything. Theke? It touched 25400 almost 300 point ki recovery thi from day's low. जो कि uh, एक सौ के आसपास था तो तीन सौ पॉइंट की तीन सौ साढ़े तीन सौ पॉइंट की रिकवरी आई थी एंड देन आफ्टर दैट इट फेल लाइक एनीथिंग एंड फाइनली इट क्लोज्ड एट द डेज लूज। सो इफ यू हैव नॉट जॉइन दिस चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन दिस चैनल एंड if you have uh, liked my video i would request you to please like comment and share uh, my channel and my videos as well and in future also if there is anything which uh, is which i feel that i need to tell you guys i will definitely cover it up for you and after 20th november we will be seeing how things are going to change so in november pnl statement i will be uh, telling you how my strategies have been changed and how market sentiment has been changed okay so as of now vix is rising so remember uh, there is i am expecting more pain in market so it's better be safe and from uh, many times from past 3 months i have been telling to everyone that now is the perfect time to start sips to increase your mutual fund portfolio i will again say th say this same thing because as of now uh, equity investment is quite risky so i would recommend i have been recommending it to my students also that uh, increase you can do sip for at least 2 years because for 2 years i am not expecting uh, much of the thing and these kind of volatile moves can take away your uh, profit as well so this is the perfect time to increase your mutual fund portfolio after that you will get enough time once market stabilizes and things get settled down okay so with this uh, i am done for uh, i am done for this class and uh, in future, I will get more things for you guys. Uh, till then, thank you very much and uh, have a good day. Happy trading. Take care.